नमस्कार साथियों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं शक्ति, जो कि छत्तीसगढ़ का नया जिला बना हुआ है, 33वां नंबर का जिला है। और जैसे मेरे बैक साइड में आप देख रहे होंगे, यहां पे लिखा हुआ है हमर शक्ति और काफ़ी भव्य यहां पे मूर्तियां बनी हुई है। बैल की छोटी सी बच्ची यहां पे बैठी हुई है। क्या नाम है बच्ची आपका? संध्या। संध्या जी हैं। तो साथियों, वीडियो पे बने रहिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको शक्ति के जो मेन जगह है उनको दिखाने वाला हूँ। पिछला वीडियो में मैं आपको दिखाया था सारंगढ़ बिलईगढ़ जो नया जिला बना था, और उसी तारतम्य में आज मैं फिर से पहुँचा हूँ शक्ति, जो आप देखेंगे यहाँ के व्यू। हमें सहयोग करने वाले हैं हमारे साथ भैया जी हैं। क्या नाम है भैया जी आपका? जोधाराम टंडन जी हैं। तो चलिए, इनके सहयोग की अपेक्षा है। सबसे पहले कहाँ जाओ? वो भारत माता चौक और परशुराम चौक के बाद सोसाइटी चौक के बाद फिर जब मंडी से वापस आओ शक्ति आपको कवर कराएंगे जितना प्रयास हो सकेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शक्ति सिटी को। अभी पहुंचा हूं शक्ति का रेलवे स्टेशन, और देख सकते हैं मेरे बैक साइड में जिस तरह से यहां पे व्यू दिख रहा है। ऑटो यहां पे खड़ी हुई है, और ये रेलवे प्लेटफॉर्म का बाहर साइड का व्यू है। और देख सकते हैं मेरे इस बैक साइड में यहां पे टिकट काउंटर है। साथियों, ये है रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और कुछ इस तरह का व्यू है। जो अभी हम हैं शक्ति के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर, और जिस तरह से आप ये प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे, ये बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। और शक्ति में जो ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है वो सब यहाँ पे जानकारी दी गई है। देख सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर रोड में माँ भीमेश्वरी देवी मंदिर एवं पंचमुखी हनुमान मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद है 13 किलोमीटर दूरी चांपा रोड उत्तर में स्थित बाबा भोलेनाथ की नगरी तुर्री धाम, ठीक है। 18 किलोमीटर दूरी कोरबा रोड में स्थित है ऋषभ तीर्थ दमवधारा, और 13 किलोमीटर की दूरी पर खरसिया रोड में स्थित माँ अष्टभुजी मंदिर अड़भार, 12 किलोमीटर की दूरी पर खरसिया रोड में स्थित बाबा की नगरी बरगढ़। तो ये हैं शक्ति शहर के ऐतिहासिक दर्शनीय स्थलों के पर्यटन हेतु जानकारी। इधर रेलवे स्टेशन है, और इधर आए हैं तो हमें रास्ते में अम्बेडकर चौक, ठीक है, अम्बेडकर चौक होते हुए हम जाएंगे सिटी की ओर। यह कौन सा रोड है? स्टेशन से लेकर के पूरा मार्केट के रोड है, पूरा शक्ति। अच्छा साथियों, अभी हम स्टेशन से लेकर मार्केट की ओर जा रहे हैं, जो इसे स्टेशन से मार्केट की रोड कहा जा सकता है। और आगे हमें जो दिखने वाला है वो है भारत माता का है और अग्रसेन चौक। आप देख रहे हैं शक्ति सिटी का व्यू। ये साथियों, ये है रेस्ट हाउस, देख सकते हैं टूटा हुआ है रेस्ट हाउस, जो कि काफी सुंदर है, अंग्रेज जमाने का बनाया हुआ। और ये भारत माता चौक देख सकते हैं, यहाँ पे भारत माता की मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है, काफी बेहतरीन पेंटिंग किया हुआ। और ये हाई स्कूल है शक्ति का। कचहरी साथ ही ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये कचहरी है, सामने से भी आपको जाकर दिखाते हैं इधर के व्यू को। और ये चौक है जी, और ये अग्रसेन चौक है, देख सकते हैं अभी सजावट का काम चल रहा है, क्योंकि अग्रसेन जयंती अभी आने वाली है। ये थाना है, और ये थाना, ठीक, कचहरी गेट है, ये कचहरी है सर, सत्र न्यायालय, देख सकते हैं ये कचहरी है। और इधर आगे अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं बाजार चौक पिटर चौक। अच्छा, उसके बाद में परशुराम चौक से फिर निकलेंगे उधर। साथियों, मैं अभी पहुंच चुका हूं पुरैना पार्क, जो कि इसके पीछे साइड काफ़ी बहुत बड़ा तालाब है। और देखिए, काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा यहां पे भारत माता का बना हुआ है, और भी बहुत सारे मूर्तियां हैं।
जो कि काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां यहां पर है, नृत्य करता हुआ देख सकते हैं, यहां पे नृत्य करते हुए यहां पे मूर्तियां हमें देखने को मिल रही है। चलिए आपको पुरैना पार्क की जो तालाब है उसका भी आपको मैं दिखा दूँ, आगे चलते हैं और देख सकते हैं ये गार्डन की तर्ज पर यहाँ पर पौधे वगैरह लगे हुए हैं। और बताया जा रहा है शाम को यहाँ पर मार्केट चौपाटी लगता है, जैसे गुपचुप खाने पीने का सामान जो है यहाँ पे बिकती है। और ये कुछ इस तरह का व्यू जो तालाब है, पुरैना पार्क का तालाब, काफ़ी बड़ा तालाब है। वहाँ जाए वो मंडी हो उखड़ के हुई कोई मतलब है कि हुई जाए 9 बजे तक रहती तहन उखड़ जाते वो बड़े मंडी है एक 4-5 किलोमीटर चलो चल चल ये सामुदायिक भवन है कॉलेज है ये कॉलेज देख सकते हो साथियों ये कॉलेज है शक्ति का कॉलेज साथियों ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये रास्ता है और आपको दिखाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का व्यू ये है गार्डन छोटा सा गार्डन बना हुआ है और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है क्यों अब हम पहुंचे हैं शक्ति का गवर्नमेंट हॉस्पिटल और देख सकते हैं कुछ इस तरह का भवन है बिल्डिंग है और चूँकि अभी नया नया ज़िला बना हुआ है तो डेवलप तो होते रहेगा बाकी जो स्थिति है अभी कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। ये सब मार्केट है समझे हाँ हाँ एकर बाद अभी हमन कहाँ जाबो एकर बाद हमन वो महामाया मंदिर जाबो अच्छा हाँ वो सीधा निकल तो पंडाल पर नसीती कर सामने हाँ संगे कर परशुराम के जाओ साथियों अभी दुर्गा माता बैठाने की तैयारी चल रही है नवरात्रि आने वाली है परशुराम चौक देख सकते हैं ये परशुराम चौक है यहाँ पे परशुराम भगवान का प्रतिमा है और ये परशुराम चौक है और साथ ही साथ इस तरह का पंडाल बनाया जा रहा है शक्ति में चलिए चलते हैं आगे साथियों शक्ति के प्रमुख स्थान दिखाने के इस कड़ी पे मैं पहुंचा हूं अभी देव पुरुष हरि गुजर मठ के पास जैसा आप यहां पे देख सकते हैं तो कहा जाता है हरि गुजर जो उनके पास घोड़ा था और उसके माध्यम से जो है दमऊ धारा जो कि यहाँ की फेमस जगह है दमऊ धारा जलप्रपात वहाँ पे नहाने के लिए जाते थे तो यहाँ देव पुरुष के रूप में यहाँ हरि गुजर का यह जो है मठ बना हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे जो व्यू है और इसके जस्ट पीछे जो तालाब है महामाया मंदिर का तालाब चलिए चलते हैं और उधर के व्यू को भी देखते हैं ये कौन सा मंदिर है सीढ़ी वाला साईं बाबा अच्छा सीढ़ी वाले साईं बाबा का मंदिर देख सकते हैं सबका मालिक है और ये जस्ट महामाया मंदिर के सामने है सीढ़ी वाले बाबा साईं मंदिर चलिए अब चलते हैं महामाया मंदिर को देखने के लिए ये है प्रवेश द्वार काफ़ी पुराना है प्रवेश द्वार और आगे पूजा पाठ की सामग्रियाँ यहाँ पर बिक रही हैं देख सकते हैं और राइट साइड में तालाब हमें दिखाई दे रहा है साथियों अब हम पहुंच चुके हैं महामाया मंदिर के प्रांगण में क्योंकि कल नवरात्रि है और आज नवरात्रि की तैयारी चल रही है बड़ी सोलो सोलो का इस तरह का व्यू है गेट का सामने का और यदि हम बैक साइड में देखें तो ये तालाब है जय महामाया माँ और ये जो है जिस तरह से जिला नया जिला का निर्माण हुआ है शक्ति के नाम से विदित है जैसे कि माताओं का शक्ति का रूप स्वरूप कहा जाता है
तो उसी तात्या में यह मंदिर जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, महामाया मंदिर। और चलिए यहाँ के प्रांगण को आपको दिखाते हैं, और भी बहुत सारे देवी देवताएँ यहाँ पे विराजमान हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमें मुर्गा पाठ और छीन पाठ, यहाँ पे देवता जी विराजमान है। साथ ही साथ यहाँ पे दव भव देव यहाँ पे विराजमान है। और ये जो सामने दिख रहा है ये हाल है। और नवरात्रि चूँकि आने वाली है, जिस वजह से यहाँ पर जो है कलश की तैयारी पूरी जोरों शोरों से है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पे पूरा हाल जो है कलश से भरा हुआ है। और जब कलश यात्रा निकलेगी जो काफ़ी देखने लायक होगी, भव्य होगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है देवता जी विराजमान है, सॉरी खम्भेश्वरी माता, खम्भेश्वरी माता जी यहाँ पे विराजमान है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इस घंटी को, देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे घंटियाँ देखने को मिलती है, जो बजने पे एक अलग ही आवाज़ गुंजायमान यहाँ पे करती है इस प्रांगण को। तो जय महामाया मंदिर। चलिए दोस्तों, शक्ति देखने के कड़े पे हम आगे चलते हैं और भी देखते हैं इस शक्ति सिटी के व्यू को। साथियों, इधर जो आपको तालाब दिखाई दे रहा है ये गणेश बंध तालाब है। और गार्डन भी है, देख सकते हैं वृक्ष लगा हुआ है और जिम्स के इंस्ट्रूमेंट भी लगे हुए हैं। और पेड़ की छाया में यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, छाया का आनंद लेते हुए। और सामने में दिखाई पड़ रहा है श्री सूर्य पुत्र शनि देव मंदिर, शक्ति ये है शनि मंदिर, ये दुर्गा मंदिर है। और साथ ही ये है दुर्गा मंदिर, ये है शंकर भगवान मंदिर, और ये जय माँ दुर्गा देवी मंदिर, काफ़ी खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इधर लेफ्ट में भी एक और तालाब है, ये गणेश बंध, हाँ ये भी गणेश बंध तालाब है। मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड तालाब है, और दोनों तालाब में लोटस के जो फूल हैं खिले हुए हैं, देख सकते हैं कमल फूल खिले हुए हैं काफ़ी अधिक संख्या में। और फिर से हम पहुँच चुके हैं, ये जो येलो रंग का जो पुता हुआ है ये गायत्री मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पे गायत्री मंदिर। आओ तो अब नहीं हो सकता, चलिए ठीक है। तो अब कितनी अंग तुम अलग छोड़ो, तो रिटर्न ले लो भाई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में शक्ति के मेन जगह को आपको दिखाने का प्रयास किया गया, और कुछ स्थान ऐसे भी होंगे जो छूटे होंगे। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो शक्ति सिटी को दिखाने का प्रयास किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।